वेलकम टू पाकिस्तान इंडिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल, मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर, 8 रीजन व्हाई इंडिया विल रूल द वर्ल्ड बाय 2050। मतलब इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर, 8 रीजन बताए गए हैं क्यों 2050 में इंडिया इस दुनिया पर राज करेगा। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। वॉच इनका वीडियो, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बेस्ट वीडियोस इनके पास मिलेंगी। तो जल्दी से देखते हैं भाई, मैं खुद काफी इस वीडियो के लिए एक्साइटेड हूँ। तो काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। 8 reasons why India will rule the world in 2050। दोस्तों, जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की बात आती है तो उसमें रशिया, अमेरिका और चाइना का नाम टॉप पर आता है। लेकिन शायद दुनिया का एक नाम लेना भूल जाते हैं हम लोग, और वो है हमारा भारत। क्योंकि भारत भले ही पूरी दुनिया के दिलों में राज करता हो, जहाँ दुनिया भर के लोग भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करते हो, पर अभी शायद दुनिया ने भारत की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया। और इसीलिए आज हम आपको 8 ऐसे कारण बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आप क्या दुनिया का कोई भी शख्स इस बात पर यकीन कर लेगा कि कैसे भारत आने वाले 30 सालों में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनकर दुनिया पर हुकूमत करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए 8 कारणों को देखने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। मैं खुद काफी एक्साइटेड हूं, कौन से वो रीजन है। रीजन नंबर 1, द आर्मी। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग भारतीय सेना की बात करें तो इसमें 1.4 मिलियन एक्टिव आर्मी पर्सनल मौजूद है, जिसके साथ ही भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। जहां पहले नंबर पर चाइना ने अपनी जगह बना रखी है, यहां तक कि अमेरिका में जितने एक्टिव सैनिक नहीं है उससे कहीं ज्यादा तो हमारे भारत में। और तो और दोस्तों, भारत में अपने देश की रक्षा करने वाले सैनिक केवल नाम मात्र के सैनिक नहीं है, बल्कि ऐसी कई सारी जंग हुई है जिसमें भारत की सेना ने ये दिखा दिया कि वो कहीं से भी किसी से भी कम नहीं। ऐसे में अगर हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस श्रृंखला में इंडिया नंबर 4 पर आती है। और जब बात बैटल टैंक्स की आती है तो भारत 6 नंबर पर आती है। इसलिए दुनिया भारत को चाहे जिस नजरिए से देखे, लेकिन हमारी भारतीय सेना पावरफुल कंट्री है, शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। और इन सभी चीजों में टॉप पर पहुंचने में भी हमें ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि हमारे देश में न सिर्फ आर्मी बढ़ती जा रही है बल्कि इसे ज्वाइन करने वाले लोगों का जोश भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वो दिन कतई दूर नहीं जहां हम दुनिया भर को अपनी सैन्य शक्ति से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। फिर चाहे वो सैनिकों की बात हो या फिर उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार। हथियार एक से एक रखा हुआ इंडिया ने, खुद बना रहे हैं। न्यूक्लियर ऑप्शन, दुनिया में मात्र 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। ये दूसरा रीजन है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन होने की शंका है, और हमारा भारत भी उनमें से एक है। ऐसे में ये बात भला किससे छुपी है कि जिस देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उससे टकराने की हिम्मत में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर कहीं न्यूक्लियर पावर वाले देश ने अपने दुश्मन देश पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया तो न्यूक्लियर वॉर होने से कोई भी रोक नहीं सकता। हर जगह न्यूक्लियर वॉर मतलब तबाही। इसी वजह से जितने भी न्यूक्लियर पावर वाले देश है वो अपने आप में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और हमारे भारत ने इतने कम समय में न्यूक्लियर पावर को अपने वश में कर लिया, और वो इस बात का सबूत है कि किस तरह हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में अगर कोई ईंट मारेगा तो इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत को ज्यादा देर नहीं लगेगी, और शायद इसी वजह से कोई देश सामने से भारत के साथ दुश्मनी करने में दिलचस्पी नहीं रखता। रीजन नंबर 2, इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, बिट्टू है। दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना है तो सबसे पहले उसकी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर नजर डालें। बिल्कुल। ऐसे में दोस्तों, हमारे देश की जीडीपी दुनिया में न सिर्फ बहुत ही ज्यादा लार्ज है बल्कि इसका ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा है। हालांकि यूएसए की जीडीपी हमारे भारत से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर बात जीडीपी ग्रोथ की जाए तो वो भारत के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। खाली चाइना और भारत ही दो ऐसे देश हैं जो टॉप 10 लार्जेस्ट जीडीपी वाले देशों में आते हैं, जिनकी न सिर्फ जीडीपी अच्छी खासी है बल्कि उनका ग्रोथ रेट भी काफी बेहतर है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमारा देश न सिर्फ मैन पावर में दुनिया को पिछाड़ने की शक्ति रखता है, बल्कि अगर बात इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए तो बस थोड़े से बदलाव हमें दुनिया की भीड़ में सबसे अलग और सबसे सही बात करने में कामयाब रहेंगे। रीजन नंबर 4,
स्केल। दोस्तों भारत की इतनी भारी पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल में होता है। हालांकि ये चीज एक अलग तरीके से भी की जा सकती है, क्योंकि अगर कोई क्राइसिस यानी कि विपत्ति आई तो इसका असर बहुत ही भारी मात्रा में लोगों पर पड़ेगा। फिर चाहे आप खाली एम्प्लॉयमेंट की ही बात क्यों नहीं ले लें, पूरे भारत में करीब 50 करोड़ लोग कमाने वाले हैं, और अगर मात्र 1% एम्प्लॉयमेंट में गड़बड़ी हो गई तो इसका साफ मतलब है कि 50% पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है ना। अगर चीज को पॉजिटिव तरीके से लेना शुरू कर दें तो दोस्तों इंडिया में किसी भी काम को असंभव नहीं कहा जा सकता, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की पॉपुलेशन है। ऐसे में अगर सब लोग मिलकर किसी चीज को आसमान तक पहुँचाने का सपना देखते हैं तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी हम भारतीयों के अंदर है। फिर चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए या फिर टेक्नोलॉजी की, वो तो अब तक चीजें थोड़ी बैलेंस नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस दिन भारत ने ठान लिया ना अब उसे अपने देश की काया पलटनी है, तो यकीन मानिए काया पलटने में 20 साल क्या मात्र 5 साल ही काफी। सही बात है, अगर ठान ले लोग तो यूज की जा सकती है, वो भला चाइना से अच्छा हमें कौन समझा सकता है, जहां इस देश ने अकेले ही अपने अंदर पूरी दुनिया बसा रखी है। फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या चाइना ने हर एक चीज मैन पावर के भरोसे ही तो की है। हाँ भले ही यहाँ पर लोगों से ज्यादा लेबर लिया जाता हो, लेकिन आज शायद लोगों के इसी डेडिकेशन का नतीजा है कि चाइना इतनी जल्दी उन कामयाबियों पर है जिसके बारे में सोचना कई देशों के तो बस की बात ही नहीं है, और हमारा भारत भी उसी राह पर चल रहा है। जिस वजह से अगर हम अपनी इस पॉपुलेशन को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वाकई में दुनिया को पीछे छोड़ने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रीजन नंबर 5, पॉपुलेशन ग्रोथ। हमें पता है हमारे शुरू के 4 कारण ठीक चाइना के साथ चलते हैं, यानी कि जहां हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ है वहीं चाइना के पास भी इकोनॉमिक ग्रोथ है। चाइना के पास भी अच्छी खासी मैन पावर और आर्मी, राइवल मेन चाइना के इंडिया के पास भी सेम वही चीजें हैं। इसलिए लोग इस बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हम सिर्फ इंडिया को ही आने वाले समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कैसे कह सकते हैं, जबकि चाइना भी उन सभी चीजों में भारत के साथ साथ चल रहा है। उस तरह की सोच रखने वाले लोगों के लिए हमारा 5वां कारण वाकई में मुंह तोड़ जवाब है, क्योंकि भले ही आप हमारे देश की पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से लें या बुरे तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी देश की पॉपुलेशन उसके ग्रोथ में बहुत कोई शक नहीं। जब बात पॉपुलेशन ग्रोथ की आती है तो हम चाइना को पछाड़ देते हैं, क्योंकि इस समय हमारे भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ 1.2% पर ईयर है, वहीं चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ 0.5% पर ईयर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है। और तो और यूनाइटेड नेशन ने भी ये प्रेडिक्शन किया है कि चाइना की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी। अच्छा, जाहिर सी बात है कि जब चाइना की पॉपुलेशन कम होगी पहले नंबर पर भारत को आने से भला कौन रोक सकता है। अगर ऐसा हो गया तो जिस तरह चाइना ने अपने देश को पूरी तरह एक दुनिया बना रखा है, उसी तरह अगर हम भी वाकई में आत्मनिर्भर भारत बना लेते हैं तो भला ऐसा कौन सा देश है जो भारत से टकराने की कोई भी नहीं। रीजन नंबर 6, ICT। चलिए दोस्तों अब एक और कारण पर बात करते हैं ICT क्यों आने वाले समय में हमारा भारत दुनिया भर में राज करेगा, और वो कारण वाकई में कोई और नहीं बल्कि ICT है। क्योंकि अगर हम अपना कंपटीशन चाइना से कर ही रहे हैं तो चलिए इन सब मामलों में ही बात कर लेते हैं। जहां सबसे पहले अगर हम चाइना की बात करें तो उसकी इकोनॉमी मैन्युफैक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, और हम भारतीय इसी बारे में रोया करते हैं कि चाइना के पास अच्छी मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पावर है। पर वो कहते हैं ना कि जब आधा पानी से भरा हुआ गिलास आपके हाथ में हो तो आधे खाली पर नहीं बल्कि आधे भरे हुए पर फोकस करना चाहिए। और यहाँ भी हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के पास भले ही मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन हमारे पास ICT और एंटरटेनमेंट का काफी अच्छा है। दोस्तों अगर हम अकेले मुंबई की बात करें तो मुंबई पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मूवी फैक्ट्री, इस समय बेंगलुरु दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट ICT कॉम्प्लेक्स है, और ये भी अनुमान लगाया जाता है कि बेंगलुरु आने वाले कुछ समय में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली से भी ज्यादा बड़ा। ऐसे में अगर लार्जर पिक्चर में देखें तो आने वाले समय में हम मैन्युफैक्चरिंग पर तो काम कर ही रहे हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होता चला जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो मौजूदा ताकत है वो है एंटरटेनमेंट और ICT, जो हमें दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी बनने में सबसे बड़ी हेल्प। रीजन नंबर 7, फ्रीडम। फ्रीडम अगर अपने कारण की बात करें, चाइना में ये चीज नहीं है, यानी कि स्वतंत्रता। आप माने या ना माने, लेकिन हमारे देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्वतंत्र देश है, जहाँ पर आप किसी को भी कुछ भी कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, और सिर्फ कहने के लिए ही क्यों, आप कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो।
इसी वजह से अगर हम अपनी तुलना चाइना से करें तो ना ही चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है और ना ही कभी बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को उनकी सरकार के मुताबिक काम यार उनको बहुत वर्क ऐड करते हैं चाइना में, मर्जी का फैसला लेने के लिए पूरी तरह से फ्री है, जिस वजह से अगर कल को हम लोग ज्यादा से ज्यादा व्यापार को बढ़ावा देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम बहुत आसानी से पूरी दुनिया को इकोनॉमिक पैसा डाल सकते हैं। रीजन नंबर 8, अंडरडॉग। अंडरडॉग यानी छुपा रुस्तम। दोस्तों अब ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि वाकई में हमारा भारत छुपा रुस्तम है, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इकोनॉमी बढ़ती जा रही है पर इसी वजह से वो कहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ना बन जाए, इसी वजह से हर देश उनके पीछे पड़ा है, फिर चाहे वो चाइना हो, रशिया हो या फिर यूएसए। हालांकि कई यूरोपियन देश भी इसमें शामिल है, लेकिन हमारे भारत की गरीबी और करप्शन को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि भारत आने वाले समय में क्या गजब करके दिखाएगा। और इसी वजह से जहां दुनिया आपस में ताकतवर, वो आपस में लड़ रहे हैं और इंडिया आराम से प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे अपनी इकोनॉमी ग्रो कर सकते हैं, जहाँ वो पूरे देश से दोस्ती करके अपने आप को उनके न सिर्फ साथ खड़ा कर सकता है बल्कि एक ऐसा भी समय आएगा जहां हम दुनिया में सबसे आगे होंगे। बात अभी इसमें कोई शक नहीं यार, समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जिस हिसाब से हमारी प्लानिंग चल रही है वो दिखा देगी कि वाकई में हमारा भारत सोने की चिड़िया है। तो दोस्तों ये थे 8 चरण जो साबित करते हैं कि किस तरह बिल्कुल करते हैं भाई, बिल्कुल 30 सालों में दुनिया में राज करने वाला है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स। इसी के साथ ये वीडियो खत्म है यार, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार गाइस ये वाले 8 रीजन थे और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इन रीजन से, क्योंकि मेन राइवल जो है वो सबको यार पता है, मतलब मोस्टली सबको पता है, अमेरिका नहीं रहेगा क्योंकि मेन खत्म होने वाला है, मेन राइवल रहेगा चाइना, चाइना इंडिया का जो ऑप्टिकल रास्ते में होगा जिसको पार करना इंडिया को बनता मतलब है। जो दूसरी भाई बात है ना वो आर्मी की, देखिए लगभग आर्मी भी दोनों की सेम है, रिजर्व जो है इंडिया के पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, पर्सनल चाइना से कम है रिजर्व बहुत। असल में इस लिहाज से मैं बता रहा हूँ ना कि अभी देख लो ये तकरीबन 7 से 8 महीने तुम देख लो इंडिया ने खुद से कितनी चीजें मतलब बनाकर मतलब दूसरों पे डिपेंड करना छोड़ दिया इंडिया ने, मतलब खुद से आत्मनिर्भर बना है, खुद से कर रहा है। उसके बाद तुम ये देखो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तुम किस लिहाज से मतलब जितना दुनिया को बता नहीं रहा, भारतमाला सागरमाला किस तरह प्रोजेक्ट चले, वही मैं कह रहा हूँ दुनिया को नहीं बता रहे कि क्या कर रहे हैं, मतलब वो अपना खामोशी से चला रहे सब करो, मतलब चाइना लगा हुआ है अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर पे यही बात है लगा हुआ है, और बीच में इंडिया आगे प्रोग्रेस अपना वो कर रहा है। अब इंडिया के साथ चाइना ने पंगा लेने की कोशिश की पिछले साल, ये नहीं है कि मतलब चाइना ने इसको इग्नोर किया, बिल्कुल पंगा लेने की कोशिश की लेकिन मुंह की खा के वापस गया, और उसको नुकसान कितना हुआ उसकी कंपनी बिलियन डॉलर का, यही बात है, यही अब चाइना समझ गए इंडिया के साथ तो पंगा लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट मार्केट बड़ी मार्केट है इंडिया, बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट। तो भाई इसमें फिर आपको खुद आप अंदाजा आप लगा लो, बिल्कुल, और जिस तरह उन्होंने कहा ना छुपा रुस्तम, मतलब तो इसके हम 100% इससे एग्री करते हैं, क्योंकि किसी टाइम इंडिया कुछ भी मतलब कर सकता है, मतलब इंडिया जिस स्पीड से चल रहा है, जिस लिहाज से चल रहा है, मतलब दुनिया अपने लड़ाइयों में लगी है, लेकिन ये और ये आराम से निकल रहा है। और फिर भाई कोरोना में यार जो कंट्री सबसे तेजी से निकल रहा है वो इंडिया है भाई, अभी ये कोरोना की वजह से इकॉनमी अब इस साल फिर डबल डिजिट में इकॉनमी चली जाएगी, बिल्कुल, मतलब ये 2021 में सारी IMF ने प्रेडिक्ट किया और जो आंकड़े दिखा रहे हैं उससे लग भी रहा है कि अभी डबल डिजिट ले लेंगे, बिल्कुल इंडियन इकॉनमी, बिल्कुल भाई -23 से डबल डिजिट इकोनॉमी में आना नामुमकिन नामुमकिन हो जाता है, और दूसरी बात साल लग जाते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन 4-5 महीने में 5 मंथ में ये इतनी बड़ी इकोनॉमी को प्लस में लाना बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात ये कि अभी जो इनकी मैन पावर है वो सबसे ज्यादा, मतलब चाइना का देख लो, दूसरी देश का देख लो, मतलब चाइना में बूढ़े ज्यादा है, यंग उधर पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट हो गई है, फिर तुम्हें पता है सबसे ज्यादा जो इंडिया इस चीज में आगे, और ये खाली पॉपुलेशन मतलब कंट्री को पीछे नहीं लेकर जाती बल्कि आगे लेकर जाती है, तो पॉपुलेशन में कोई बुराई नहीं है कि पॉपुलेशन ज्यादा है। यार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और इस वीडियो से लगता है बंदे को मतलब कोई देखे इस तरह की वीडियो तो उनको भी यकीन होता है कि ये हो सकता है और होगा, और 2050 से पहले भी हो सकता है, और बाद मतलब 2050 तक भी, अगर चेंजिंग थोड़ी सी मतलब और मतलब कर दी जाए इंडियन अपने आप को थोड़ा सा पहले भी हो जाएगा, पहले भी हो जाएगा। सो गाइस आप
के बारे में क्या कहते हैं, आपकी राय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।